व्यवस्था कैंप प्रोफाइल में हमने पिछले टाइम पे एक क्वेश्चन किया था, आज एक क्वेश्चन और समझेंगे। क्वेश्चन यह लिखा हुआ है, एक कैंप द्वारा नाइफ के स्कॉलर को निम्न गति दी जानी है। नंबर वन, कैंप लिफ्ट डिवल 40 mm ड्यूरिंग 90° ऑफ कैंप रोटेशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद नेक्स्ट 30° तक 12, उसके अगले 60° तक फॉलो रिटर्न होगा ओरिजिनल मोशन में, वो भी गति सरल और गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। रिमेनिंग 180° के लिए 12 है। ड्रॉ कैंप प्रोफाइल व्हेन लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ कैंप शाफ्ट। सेकंड केस है, लाइन ऑफ स्ट्रोक इज 20 mm ऑफसेट फ्रॉम एक्सिस ऑफ कैंप शाफ्ट। मिनिमम रेडियस 40 mm दी। कैंप प्रोफाइल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को बनाएंगे। डिस्प्ले डायग्राम के हिसाब से स्केल लेंगे पहले, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। स्केल एक्स एक्सिस 1 mm बराबर 1°, एक्स एक्सिस पे 1 mm बराबर 1°, और वाई एक्सिस पे 1 mm बराबर 1 mm। तो क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हुआ 40 mm, ये 40 mm हो गए और ये 360°। एंगल दिए हुए हैं 90°। उसके बाद नेक्स्ट 30 के समान नोटी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 60 ये 180, आगे जो है पूरा बनाने का अगले ब्रेक लाइन दे दो, जगह बचे वहां पर 360। जैसा हमने पहले समझा था कि जो जो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 दिए हुए उनको आप परपेंडिकुलर हल्के की लाइन से दो, और थीटा 1 और थीटा 2 को, थीटा 1 और थीटा 3 को 8 भाग में बांटेंगे। चार भाग हो गए, अब ये 8 भाग हो गए। सिमिलरली इसके भी 8 भाग कर देंगे। अब नंबरिंग करेंगे 0 से 8 और 8 से 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फॉलोअर की आउटवर्ड और रिटर्न मोशन में दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब SHM है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में यहां मिड पॉइंट लेकर के और एक सेमी सर्कल
ड्रॉ कर लेंगे और इस सेमी सर्कल के भी आर ड्रॉ करेंगे। ये जो आर ड्रॉ करेंगे हम कंपास की सहायता करके सर्कल फेस किया उसका कंपास लेकर के और पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यहां से यहां से ये आ जाएगा। फिर अरे का मिड पॉइंट करते हुए इस तरह से आठ बार कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे इस सेमी सर्कल के जो पॉइंट्स है वहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स लेंगे। तो वन वाला प्रोजेक्टर वन तक जाएगा, ये वन डैश हो जाएगा, टू वाला टू तक जाएगा, ये टू डैश हो जाएगा, इसी तरह थ्री डैश, देन फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, ये सेवन डैश और ये एट डैश। इन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ा करके हम ए डबल डैश, सेवन डबल डैश, सिक्स डबल डैश, फाइव डबल डैश ऐसे जीरो तक आए। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब कैम प्रोफाइल बनानी है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में फॉलोअर की एक्सिस कैम की एक्सिस से पास होती है, दूसरी कंडीशन में जो है फॉलोअर जो है 20 mm ऑफसेट दिया हुआ है, मिनिमम रेडियस 40 डिग्री है। हम क्या करेंगे दोनों जो प्रोफाइल बनानी है एक साथ शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा। आपको क्या करना है मिनिमम जो रेडियस दी हुई है 40 mm, तो 40 mm का एक सर्कल खींचना है कंपास की सहायता से, 40 का सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक दूरी पर 40 का सर्कल और ड्रॉ करेंगे। ये दोनों काम एक साथ करते जाएंगे, इससे क्या होगा थोड़ा टाइम बचेगा। और फर्स्ट केस में एक्सिस फॉलोअर की एक्सेस और कैम की एक्सेस पास होती है, तो फर्स्ट केस में फॉलोअर यह बनेगा, फॉलोअर बन गया। कोई नोटेशन जीरो और ओ और टी। सेकेंड केस में 20 mm ऑफसेट है, हम क्या करेंगे 20 mm का एक सर्कल और ड्रॉ कर लेंगे और इस सर्कल में इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींच करके यहां पी आ जाएगा और ओ ये है, ओ पी को मिला लेंगे। अब एंगल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एंगल 90 है तो यहां से ये 90 हो गया, सेकेंड 30 और थर्ड है 60 90 30 और 60। यहाँ पे ओपी से ड्रॉ करेंगे, पहला एंगल 90 आ गया, दूसरा एंगल 30 और तीसरा एंगल ये 60 यहाँ से आ गया। अब इन एंगल्स को थीटा 1 एंड थीटा 3 को 8-8 भाग में बांटेंगे, कंपास ले लीजिए और कंपास से यहाँ पे चाप खींचेंगे, यहाँ चाप खींचेंगे, इतना भी खोल दो कंपास, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, दो पार्ट हो गए, दो से चार, फिर चार से आठ, करना कंपास से ही है। आठ भागों में थीटा 1 के ऐसे ही आठ भाग थीटा 3 के करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे फर्स्ट एंगल के आठ भाग करेंगे, आठ भाग करके चाप लगाएंगे, इस पर पॉइंट रखते जाएंगे, लाइनें नहीं खींचेंगे, केवल यहां से पॉइंट्स ले लेंगे, थीटा 3 के भी 8 भाग कर लेंगे।
उसमें गाइड बना देंगे लाइनें। अब इस वाले केस में, ऑफसेट वाले केस में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आए इन पॉइंट से छोटे वाले सर्कल पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट्स खींचेंगे। तो टेंजेंट्स आप खींच लें, चाहे ड्राफ्टर का यूज करें चाहे सेट स्क्वायर का यूज करें, इससे सर्कल को छूते भी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर लेंगे और आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। इस दिन से भी छोटे सर्कल पे ऐसे टेंजेंट्स आते हैं। पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सिमिलरली यहां दे देंगे 0 या कॉलर बना देंगे, यहां पे कॉलर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3। अब हमको क्या करना है, कंपास लेना है 1 1 डैश काटना है, 1 1 डैश का कंपास घर पे यहाँ काट दिया और उसी कंपास से यहाँ 1 1 डैश काट दिया। ये दोनों एक साथ करने का टाइम लगेगा, जैसे कंपास अपन ने हाइट का ले लिया कितनी हाइट आ गई 1 पे, ये यहाँ करेंगे और यहाँ बगल फिर 2 2 डैश कंपास को 2 2 डैश ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसके भी 2 2 डैश ड्रॉ कर लेंगे, फिर 3 3 डैश ड्रॉ कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ऐसे ही रिटर्न स्ट्रोक 8 डबल डैश 7 डबल डैश 6 डबल डैश 5 डबल डैश 4 डबल डैश 3 डबल डैश 2 डबल डैश 1 डबल डैश और 0। ये किए डिस्टेंस हमको इन टेंजेंट लाइन्स को भी खींचने और ये पॉइंट आ जाएंगे, अब उसने इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को मिला करके और रिक्वायर्ड प्रोफाइल ये बन जाएगी। तो जो ड्यूल वाला पार्ट है ये वाला, इसको अपन सेंटर पे कंपास रख करके इसको डायरेक्ट सर्कल खींचेंगे, एरिया ड्यूल है एरिया ड्यूल है। यहाँ पे तो क्या मार्कर और व्हाइट बोर्ड भी काम हो रहा है, तो पेन भी मेरे पास एक ही है, उसपे डिस्क्रिमिश नहीं हो रहा, बाकी आपको क्या है पतली लाइने खींचनी है और लास्ट में जो कैन भी प्रोफाइल बनेगी उसको डार्क करना है। इधर भी हम पॉइंट मार्क रख चुके हैं, उन पॉइंट्स को मिला करके और कैन कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हम कैन के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए और जब तीसरा क्वेश्चन करेंगे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तीसरे क्वेश्चन में कोई अलग क्वेश्चन नहीं लेकर के किसी क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, इसमें दिया हुआ है एंगल 90, दूसरा एंगल 30, तीसरा एंगल 60 और दो पेजेस है, एक में एक्सिस सेम है दूसरे में ऑफसेट है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दोनों में आउटवर्ड और इंटरनल सिंपल आर्म मोशन है, तो इसी क्वेश्चन को हम अगली बार करेंगे जिसमें आउटवर्ड तो सिंपल आर्म मोशन है और रिटर्न जो है यूनिफॉर्म मिला उसकी, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में इस क्वेश्चन को करेंगे जब मोशन चेंज हो जाए और आउटर स्ट्रोक तो ऐसे से हो और रिटर्न स्ट्रोक जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। ये क्वेश्चन हम तीसरा करेंगे। थैंक यू।